3, 2, 1. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हाँ भाई व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतें और नेमतें समेट रहे होंगे। अल्लाह ताला आपके जान और माल की हिफाजत फरमाए और आपको सदा खुश रखे। पिछले ब्लॉग में मैंने व्यूअर्स आपको बहुत अच्छा होम मेड आइसक्रीम बनाना सिखाया था, जिसमें से एक कॉफ़ी क्रीम आइसक्रीम थी और एक जो है वो मिक्स फ्रूट आइसक्रीम थी। इट वॉज गुड होम मेड रेसिपी थी, ठीक है ना, और मुझे नहीं पता था कि ऐसी बन जाएगी और इतनी अच्छी बन जाएगी, बट इट हैज़ गुड रिजल्ट्स। और आप लोगों की फीडबैक का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज का जो ब्लॉग है वो मैं बनाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, कस्टर्ड क्रीम बंस। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो 2 अदद एग योक ले लेनी है, उसके अंदर 25 ग्राम जो है वो शुगर डाल देनी है, यानी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें तकरीबन 140 ml दूध डालना है, उसे भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर आपने उसमें 25 ग्राम मैदा डाल लेना है, ठीक है ना, सीव कर लीजिएगा ऊपर से, ठीक है ना। और 2 चुटकी जो है वो नमक के डाल के, 2 चुटकी, ज़्यादा नहीं, 2 चुटकियाँ बस, एक पकड़ी और दूसरी पकड़ी डाली, उसे मिक्स करके आपने रख लेना है मीडियम लो आँच पर, यानी मीडियम ये हो गई और लो ये हो गई, ठीक है ना। इस आँच पर आपने उसे कुक कर लेना है जब तक वो वेल थिकन शेप में ना आ जाए। जब वो थिकन शेप में आ जाए तो उसे आपने साइड पर रख के ठंडा कर लेना है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर उसे किसी कोन में डाल लीजिएगा या जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे, ठीक है ना। कोन में ज़्यादा बेहतर होता है, ज़रा थोड़ा सा अच्छा और इक्वल जो है ना वो इवन ड्रॉप आता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने आ जाना है डो की तरफ। तो डो आपने कैसे बनाना है? डो के लिए आपने सबसे पहले जो है 150 ग्राम जो है वो मैदा ले लेना है, मैदा डालना है। उसके अंदर आपने यीस्ट डालना है 1/2 चम्मच, 1/4 चम्मच, टीस्पून की बात हो रही है, टीस्पून जो है ना वो आपने उसमें सॉल्ट डालना है, ठीक हो गया ना। और 15 ग्राम जो है ना उसमें शुगर डालनी है। इन्हें आप ये ड्राई सारे आइटम आपने मिक्स करने के बाद आपने उसमें 100 ml, थोड़ा सा वार्म हो दूध, वो आपने दूध डाल के उसमें मिक्स कर लेना है, ठीक है ना। मिक्स करने के बाद आपने उसको डो की शक्ल में लेके जाना है, यानी उसे गूंदना है। और गूंदने के बाद आपने उसको अपने नीडिंग पैड पर रखना है। नीडिंग पैड पर आपने रखने के बाद उसको वही स्टाइल जो मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ उसी स्टाइल से आपने उसको गूंदना है। जब देखेंगे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई है और फर्म हो गया है तो आपने उसमें 15 ग्राम जो है वो बटर ऐड करना है। बटर ऐड करने के बाद आपने दोबारा उसको नीड करना है और उसे एक पेड़ा बनाकर उसी पैड पर रखकर उसके ऊपर कोई बॉल रख दें, उसे 60 मिनट्स के लिए छोड़ दें। 60 मिनट्स छोड़ने के बाद जब वो फूल जाए, प्रूफिंग हो जाए उसकी और वो राइस कर जाए, ठीक है ना, उसकी आपने जो गैस है वो निकाल देनी है, ठीक हो गया। जब आपने उसकी गैस निकाल देनी है उसके बाद आपने उसको उसके तकरीबन कोई 6 पीसेस कर लेने हैं, ठीक है ना। ये मैं दिखा रहा हूँ पिक्चर में, इस तरह से 6 पीसेस आपने इसके बना लेने हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 6 पीसेस बनेंगे। उसके बाद आपने उनके छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं, पेड़े बनाकर आपने वो किसी ट्रे में रख देने हैं। बेकिंग ट्रे हो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपने इसको बेक करना है। बेकिंग नहीं कर रहे अगर आप हांडी में कर रहे हैं तो किसी गोल ट्रे में रख लीजिए, जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे या ईजी लगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने किसी गिलास की मदद से, जैसे मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ, उसे ऊपर से पेड़े को ज़रा दबा कर, ठीक है ना, उसे उल्टी साइड से उठाकर आपने ट्रे में रखना है, ताकि जो नीचे वाली साइड होती है वो ज़रा थोड़ी सी प्लेन होती है, ठीक है ना। अब आपने गिलास का जो बेस है उसको आटे में डिप करके, खुश्क आटे में डिप करके आपने उसके ऊपर इस तरह से एक बीच में सर्कल सा बना देना है, ताकि वो इम्बोज हो जाए, ठीक हो गया। इम्बोज होने के बाद जब आपने देखा कि आपने 6 के 6 बना लिए हैं, अच्छा, अब आपने उसको ऊपर से दबा दिया। अब आपने वो कोन उठानी है जो आपने फ्रिज में रखी थी कुछ देर ठंडा होने के लिए, उसे आपने ऊपर कोन कर देना, ठीक है ना। ड्रॉप करेंगे आप 6 के 6 में ड्रॉप कर ले। अच्छा, साइडों वाला जो सरफेस है, साइडों वाला बन का, उसके ऊपर आपने एग वॉश कर लेना है। जो एग वाइट आपका बचा था एग योक में से, उससे आपने उसको वॉश कर लेना, ठीक है ना। ओवन में रखने, ओवन में आपने इसको तकरीबन 15 से 18 मिनट तक रखना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओवन में रखने से पहले आप इसके ऊपर कोई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। सेंटर में कोई पाइनएप्पल ऐड कर लें, कोई पीच ऐड कर लें, कोई मैंगो ऐड कर लें, उसके ऊपर जैम लगा दें थोड़ा सा ऐसे ब्रश से, ठीक है ना। जैम को ज़रा थोड़ा सा थिन करना होता है, जैम होता है थिक, जब उसको आपने चम्मच से इस तरह से मिक्स करेंगे ना किसी भी प्याली में छोटी में, तो वो थिन हो जाएगा। थिन होने के बाद आप उसके ऊपर ब्रश लगा सकते हैं, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इन्जॉय कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जमील अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।